दोस्तों, और क्या हाल है? सबके मस्त, मजे में, ठीक, एकदम बढ़िया। तो बस ऐसे ही बढ़िया रहना है और अपना काम करते रहना है। तो अपन बात कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस में, किसके बारे में? अपन ने लेजिस्लेटिव पावर कंप्लीट करी थी, उसके बाद अपन ने डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर और फाइनेंशियल पावर, ये सारी पावर देखी। अपन ने लास्ट क्लास में बोला था कि भाई अपन वेटो पावर करेंगे प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट के पास में जो वेटो पावर होती है वो तीन तरह की वेटो पावर होती है। एक तो एब्सोल्यूट वेटो, एक सस्पेंसिव वेटो और एक पॉकेट वेटो। एब्सोल्यूट वेटो क्या होता है? एब्सोल्यूट वेटो ये होता है कि अगर प्रेसिडेंट कोई से भी बिल को होल्ड कर लेते हैं, विद होल्ड कर लेते हैं अपने डिसीजन को, या फिर उस बिल को रिजेक्ट कर देंगे, तो वो क्या होगा? एब्सोल्यूट वीटो होगा। प्रेसिडेंट ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया, अब ये जो बिल है ये लागू नहीं होगा। तो ये क्या है? एब्सोल्यूट वीटो है। क्या है एब्सोल्यूट वीटो? कि अगर प्रेसिडेंट विद होल्ड करते हैं अपने एसेंट को किसी भी बिल में, मतलब अपनी राय को किसी भी बिल में अपनी राय देने को रोक देते हैं, उस पर रोक लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जो है इस बिल को रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? प्रेसिडेंट ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया। अब ये जो चीज है ये दो कंडीशन में लागू होती है। इसकी दो कंडीशन होती है, या तो ये प्राइवेट बिल में लागू होगी, प्राइवेट बिल में ऐसा कोई प्रावधान निकाल दिया जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सही नहीं है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट अपने असेंट को विद होल्ड कर लेंगे, या फिर किसी भी गवर्नमेंट बिल को ये रोक सकते हैं। किस बेसिस पे रोक सकते हैं? कि या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो चेंज हो रही हो, उस टाइम पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चेंज हो रही हो, तो ये अपना एसेट जो है उस टाइम पे उसको विदहोल्ड कर देंगे या फिर बिल को रिजेक्ट कर देंगे। तो किस दो कंडीशन में करेंगे? एक तो प्राइवेट बिल, एक रिगार्डिंग गवर्नमेंट बिल। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चेंज हो गई हो तो प्रेसिडेंट जो है इस बिल को रिजेक्ट कर देंगे, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चेंज हो रही होगी तो। गवर्नमेंट बिल जो भी होगा उसके रिगार्डिंग कुछ भी बात होगी तो प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट करेंगे। अब ये जो वीटो पावर है, ये जो एब्सोल्यूट वीटो की पावर है, ये दो बार यूज में आई। अभी तक के टाइम पे ये सिर्फ दो बार यूज में आई है। एक तो 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको यूज करा था, अपना जो एसेंट है उसको विदहोल्ड करा था। किसमें? पैक्सू एप्रोप्रिएशन बिल में। किसमें है विदहोल्ड करा था? टैक्सू एप्रोप्रिएशन बिल में अपना डिसीजन को इन्होंने विदहोल्ड कर लिया था, मतलब इस बिल को रिजेक्ट कर दिया था। दूसरी बार आई थी 1991 में डॉक्टर आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन ने अपना जो कंसेंट जो था, अपना डिसीजन था, उसको विदहोल्ड करा था। किस लिए विदहोल्ड करा था? कि इन्होंने जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल आया था उसमें अलाउंस और सैलरीज जो थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, उस पर रोक लगा दी थी, उसको प्रतिबंध कर दिया था कुछ टाइम के लिए, मतलब उसको उस बिल को जो है रिजेक्ट कर दिया था इन्होंने। क्या करा था एब्सोल्यूट वीटो में इन्होंने? एब्सोल्यूट वीटो होती क्या है, अपन एक बार वापस का रिविजन करते हैं। एब्सोल्यूट वीटो ये होती है, अगर प्रेसिडेंट अपने डिसीजन को विदहोल्ड कर लेता है किसी भी बिल में, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि प्रेसिडेंट उस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं। ये दो कंडीशन पर लागू होगा, या तो प्राइवेट बिल होगा तो ये डिसीजन लागू होगा, या फिर कोई भी गवर्नमेंट बिल, किसी भी गवर्नमेंट बिल के रिगार्ड में प्रेसिडेंट जो है अपना डिसीजन जो उसको विदहोल्ड करेंगे। वो कब करेंगे? जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चेंज हुई, नए मिनिस्टर आए हों, उस पे ये करेंगे। ये जो दो बार यूज होगी वीटो पावर, कब कब? तो 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने करी थी पैक्सो अप्रोप्रिएशन बिल में, 91 में डॉक्टर आर वेंकट रमन ने करी थी किसमें? अपने अलाउंस और सैलरीज देने के लिए, किसको? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल में अलाउंस और सैलरीज के लिए ये दूसरी बार जो है वीटो पावर यूज हुई थी। कौन सी? एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा आता है अपना सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? कि अगर प्रेसिडेंट रिटर्न करते हैं किसी भी बिल को पार्लियामेंट में, तो वो जो रिटर्न करेंगे बिल को, अपन ने पहले पढ़ा था कि भाई प्रेसिडेंट सिर्फ एक बार बिल को रिटर्न कर सकते हैं वापस, रिकंसिडरेशन के लिए कितनी बार रिटर्न कर सकते हैं? सिर्फ एक बार कर सकते हैं। तो क्या है? प्रेसिडेंट जो है रिटर्न करते हैं किसी भी बिल को पार्लियामेंट में, और प्रेसिडेंट कितनी बार रिटर्न कर सकते हैं बिल को? सिर्फ एक बार रिटर्न कर सकते हैं बिल को। तो ये जो रिटर्निंग प्रोसेस है कि प्रेसिडेंट जो है ने देखा, वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, तो ये होता है सस्पेंसिव वीटो इनका। दूसरी पावर होती है प्रेसिडेंट की, कौन सी? सस्पेंसिव वीटो, जिसमें प्रेसिडेंट जो है किसी भी बिल को वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं, और रिकंसिडरेशन के लिए कितनी बार भेज सकते हैं प्रेसिडेंट? रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट कोई से भी बिल को सिर्फ एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। और ये जो वीटो पावर है ये यूज करी थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। एपीजे अब्दुल कलाम ने यूज करी थी,
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल 2006 में, 2006 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल जो आया था उसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये जो है पावर को यूज करा था। और ये यूज कब नहीं होगी, यूज नहीं होगी ये वीटो पावर मनी बिल में। मनी बिल अगर आएगा तो ये जो सस्पेंसिव वीटो पावर है कि भाई आप एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दो, तो ये चीज वापस में नहीं लागू होगी। मनी बिल में जो ये वीटो पावर है कौन सी सस्पेंसिव वीटो, ये लागू नहीं होती। तो क्या है सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो ये है कि प्रेसिडेंट जो है किसी भी बिल को उनके पास में आया, उन्होंने देखा उनको सही नहीं लगा कुछ भी चीज उसमें, तो उन्होंने वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया। तो ये क्या है सस्पेंसिव वीटो है। और प्रेसिडेंट जो है सिर्फ एक बार ही बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। और ये जो वीटो पावर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल 2006 में जो आया था उसमें ये जो पावर को यूज करा था, इसमें करा था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल में। और ये जो पावर है ये मनी बिल में लागू नहीं होती। किस में लागू नहीं होती, मनी बिल में ये पावर लागू नहीं होती है। तीसरा है पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो आया समझ में, एब्सोल्यूट वीटो सस्पेंसिव वीटो अपन ने करा। अब अपने तीसरे पाते पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है कि इसमें प्रेसिडेंट के पास में कोई लिमिट नहीं है। किसकी लिमिट नहीं है, प्रेसिडेंट के पास में कोई लिमिट नहीं है कि जैसे प्रेसिडेंट के पास में कोई बिल आया, अब वो बिल प्रेसिडेंट के पास में पड़ा हुआ है, प्रेसिडेंट का मन करेगा तो साइन करेंगे वरना उसको अपने पास में रखे रहेंगे। इसीलिए प्रेसिडेंट के पास में साइन करने की, किसी भी बिल पे साइन करने की कोई लिमिट नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को अपने पास में इनडेफिनाइट समय तक रख सकते हैं, साल 10 साल 20 साल 50 साल ऐसे प्रेसिडेंट जो है उस बिल को अपने पास में रख सकते हैं, इनडेफिनाइट टाइम तक अपने पास में रख सकते हैं। क्या है, कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है प्रेसिडेंट को, किसके लिए, बिल को साइन करने के लिए, कि प्रेसिडेंट जो है ना तो रेक्टिफाई कर सकते हैं, ना ही रिजेक्ट करते हैं, ना ही रिटर्न कर सकते हैं बिल को, लेकिन प्रेसिडेंट जो है बिल को अपने पास रख सकते हैं इनडेफिनाइट पीरियड तक। तो ये क्या है, प्रेसिडेंट की वीटो पावर है, पॉकेट वीटो जो है ये पॉकेट वीटो पावर है किसकी, प्रेसिडेंट की। लेकिन इसी में यूएसए के जो पॉकेट वीटो है उसमें प्रेसिडेंट को सिर्फ 10 डेज दिए जाते हैं। यूएसए में यूएसए के प्रेसिडेंट को अगर कोई सा भी बिल साइन कराना है, अपने इंडिया में तो वो इनडेफिनाइट टाइम तक रख सकते हैं, लेकिन यूएसए में सिर्फ वो 10 डेज तक ही बिल को रख सकते हैं। अगर 10 डेज के अंदर अंदर उन्होंने उस बिल पे साइन नहीं करा तो वो बिल जो है लैप्स हो जाएगा, मतलब वो बिल रद्द हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो ये यूज कितनी बार आया है पॉकेट वीटो, इंडिया का जो पॉकेट वीटो सिर्फ एक बार यूज में आया 1986 में, जो कि प्रेसिडेंट जेल सिंह ने करा था इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल के टाइम पे। कब करा था, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल के टाइम पे करा था 1986 में, किसने करा था, प्रेसिडेंट जेल सिंह ने करा था। तो क्या है पॉकेट वीटो, क्या है पॉकेट वीटो, ये है कि प्रेसिडेंट के पास में कोई टाइम लिमिट नहीं है कि वो बिल पे साइन करे, लेकिन वो बिल को ना तो रेक्टिफाई कर सकते हैं, ना ही रिटर्न कर सकते हैं, और ना ही रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बिल को इनडेफिनाइट पीरियड तक अपने पास में रख सकते हैं। और इसके लिए इनके ऊपर कोई भी टाइम लिमिट बाउंड नहीं कर रखी। और ये जो बिल है 1986 में प्रेसिडेंट जेल सिंह ने सिर्फ एक बार यूज करा था, किस टाइम पे करा था, ये करा था इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल के टाइम पे। तो ये अपनी तीन पावर होती है प्रेसिडेंट की वीटो पावर, कौन कौन सी, एब्सोल्यूट वीटो सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में प्रेसिडेंट जो है विदहोल्ड करते हैं बिल को, अपने कंसेंट को विदहोल्ड करते हैं किसी भी बिल के देने के लिए, बिल के ऊपर देने के लिए। और इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट जो है उस बिल को जो है रिजेक्ट कर रहे हैं। दो कंडीशन पर लागू होता है, प्राइवेट बिल के टाइम पे या फिर गवर्नमेंट बिल के टाइम पे, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चेंज हो गई हो। दो बार यूज हुआ है, 1954 में यूज हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कराए, कब कराए, पैक्सो अप्रोप्रिएशन बिल में अपना डिसीजन को विदहोल्ड करके। दूसरी बार 1991 में हुआ है, डॉक्टर आर वेंकटरमन ने कराए, किसके लिए कराए, सैलरीज और अलाउंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल में सैलरीज और अलाउंस के लिए इस बिल इस पावर को यूज कराए। दूसरा था सस्पेंसिव वीटो, कि प्रेसिडेंट जो है रिटर्न कर सकते हैं बिल को वापस पार्लियामेंट में, लेकिन रिटर्निंग का जो प्रोसेस है सिर्फ एक टाइम ही है, एक टाइम ही उसको रिटर्न कर सकते हैं बिल को। और ये जो चीज किसने यूज करी है, अपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने यूज करी इस पावर को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल 2006 में। और ये जो पावर है ये मनी बिल में लागू नहीं होती है, कौन सी, सस्पेंसिव वीटो। तीसरा है पॉकेट वीटो,
पॉकेट वीटो में प्रेसिडेंट के ऊपर कोई टाइम लिमिट बाउंड नहीं है कि वो जो है बिल को साइन करके वो जल्दी से जल्दी भेजे, वो इनडेफिनाइट पीरियड तक अपने पास में रख सकते हैं। और इस पावर का यूज 1986 में प्रेसिडेंट जेल सिंह ने सिर्फ एक बार कराया, तब इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल के टाइम पे। ये होता है अपने तीन वीटो पावर। अब अपन देखें यूएसए की जो वीटो पावर है उसमें क्या क्या प्रावधान है। जैसे पॉकेट वीटो यूएसए में भी और इंडिया में भी, तो पॉकेट वीटो इंडिया में तो है प्रेसिडेंट के ऊपर कोई टाइम लिमिट बाउंड नहीं है, वो बिल को वो कितने ही समय तक अपने पास में रख सकते हैं। लेकिन यूएसए का जो पॉकेट वीटो है उसमें प्रेसिडेंट को 10 डेज दिए जाते हैं बस। अब मैंने जैसे आपको बताया यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को सिर्फ 10 डेज देगी बिल पे साइन करने के लिए, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो बिल जो है लैप्स हो जाएगा अपने आप क्या हो जाएगा, बिल लैप्स हो जाएगा। दूसरी पावर है यूएसए के प्रेसिडेंट के पास में, दूसरी वीटो पावर क्या है, क्वालिफाइंग वीटो की पावर। क्वालिफाइंग वीटो की पावर ये है कि अगर प्रेसिडेंट ने किसी बिल को जो है रिजेक्ट कर दिया तो वहां की जो भी पार्टी होगी वो उस बिल को पास कराएगी स्पेशल मेजोरिटी से, वहां की जो कांग्रेस होगी वो उस बिल को स्पेशल मेजोरिटी से पास कराएगी, और स्पेशल मेजोरिटी से पास कराने के बाद ये जो बिल है ये एक एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक एक्ट बन जाएगा। और इस एक्ट को प्रेसिडेंट के असेंट की कोई जरूरत नहीं होगी, प्रेसिडेंट के डिसीजन की कोई जरूरत नहीं होगी। जैसे और सारी वीटो में प्रेसिडेंट का डिसीजन लेना जरूरी था, क्वालिफाइंग वीटो में स्पेशल मेजोरिटी से कोई बिल पास करा है जो कि प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया है, उसके बाद पास होने के बाद में उस बिल को किसी भी प्रेसिडेंट की, वहां के जो प्रेसिडेंट होंगे उनके डिसीजन की कोई जरूरत नहीं होगी। और ये जो क्वालिफाइंग वीटो की पावर का प्रावधान नहीं है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये सिर्फ यूएसए में ही लागू होता है। क्या है, प्रेसिडेंट अगर रिजेक्ट करते हैं किसी भी बिल को तो कांग्रेस पास कराता है उस बिल को स्पेशल मेजोरिटी से, और ये बाद में क्या बन जाएगा, एक्ट। और ये एक्ट बनने के बाद में इसको कोई जरूरत नहीं है एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की राय लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें कोई प्रोविजन नहीं है इस क्वालिफाइंग वीटो का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है। तो अपन ने क्या क्या देखा, यूएसए की पॉकेट वीटो क्या थी, तो यूएसए की वीटो पावर क्या थी, पॉकेट वीटो और क्वालिफाइंग वीटो। क्वालिफाइंग वीटो में प्रेसिडेंट अगर किसी भी बिल को रिजेक्ट कर देते हैं तो वहां की जो पार्टी कांग्रेस है वो इस बिल को पास कराएगी स्पेशल मेजोरिटी से, उसके बाद ये एक्ट बन जाएगा। एक्ट बनने के बाद इसको प्रेसिडेंट की असेंट की जरूरत नहीं होगी, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिफाइंग वीटो का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब कोई भी प्रोविजन नहीं। आज अपन ने क्या पढ़ी, वीटो पावर प्रेसिडेंट की, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। तीनों के तीनों बहुत ईजी है याद करने के लिए। एब्सोल्यूट वीटो दो बार यूज हुई है, पेप्सो अप्रोप्रिएशन बिल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने करी है, दूसरी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल में जिसमें सैलरी अलाउंस में 1991 में करिए। सस्पेंसिव वीटो एपीजे अब्दुल कलाम ने यूज करिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल में 2006 में। पॉकेट वीटो जो है जेल सिंह ने करी, प्रेसिडेंट जेल सिंह ने 1986 में इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल में। तो ये चीज जो बहुत ईजी है याद करने के लिए, आपको सिर्फ समझने की देरी है। जिस दिन आपको पॉलिटी समझ में आ गई और दिमाग में घुसने लग गई, आप पॉलिटी को एक वाइडर तरीके से सोचने लग गए, उस दिन पॉलिटी आपको बहुत आसान लगने लग जाएगी। आप ये जो पॉलिटी है इसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी से अगर जोड़ें तो ये आपके बहुत काम आ सकती है। तो ये क्या है, ये है पॉलिटी, अपन ने आज पढ़ी वीटो पावर प्रेसिडेंट की। आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।